गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों को आज हम बताएंगे पाचन तंत्र के बारे में। यहाँ पर बच्चों मैंने पाचन तंत्र का एक चित्र बनाया हुआ है। आइए इस चित्र के एक एक भाग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह मुख गुहा है, ग्रसनी है, यह आमाशय है, अग्नाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यहाँ पे मलद्वार है और यहाँ पे अपेंडिक्स है। बच्चों मनुष्य के द्वारा भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, अघुलनशील अणुओं को, छोटे छोटे हम घुलनशील अणुओं को विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और पाचन में जो अंग भाग लेते हैं वह अंग कहे जाते हैं पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन का कार्य करने के लिए एक आहार नाल होती है और इससे संबद्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मनुष्य में पाचन का कार्य करने का काम करती हैं। आइए हम लोग ये जानें, इसकी एक परिभाषा देखते हैं क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन के अणुओं को, ठोस जटिल बड़े बड़े भोजन के अणुओं को अघुलनशील छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही विभिन्न रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा पाचन कहलाता है। और पाचन में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहा जाता है। बच्चों मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है दो भागों में बटा होता है। पहले भाग को कहा जाता है आहार नाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है संबद्ध पाचक ग्रंथियां, लिखा है आपने संबद्ध पाचक ग्रंथियां इसको कहा जाता है। अब अगर हम आहार नाल की बात करें तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है यह पांच भागों में बटा होता है। जो कशेरुकी जंतुओं में आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख गुहा से प्रारंभ होती है और मल द्वार तक, जहां से मुसर्जन का कार्य करते हैं वहां तक ये फैली होती है। मैंने आपको बताया कि आहार नाल पांच भागों में बटा होता है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। एक बार फिर सुनेंगे नाम भी, यहाँ पे मैं आहार नाल के भाग के जो जो भाग इसमें पाए जाएंगे उनका नाम लिख दे रहा हूं। जैसे रोमन अंग में तो सबसे पहले पाया जाएगा मुख गुहा। मुख गुहा इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो बक्कल कैविटी। दूसरा भाग जो आहार नाल में पाया जाएगा उस भाग को कहा जाता है ग्रास नली और इसोफेगस उसको बोलते हैं। तीसरे भाग को कहा जाता है आमाशय और चौथा भाग इसका अमाशिक बाद चौथा भाग इसका कहलाता है आंत। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य का जो आहार नाल है यह कुल मुख्य रूप से चार भागों में बटा होता है, मुख गुहा, बक्कल कैविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रास नाल इसोफेगस बोलते हैं, अमाशय स्टमक बोलते हैं, पेट साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं, और इसके बाद होता है आंत जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इन भागों में बटा होता है और उसके बाद संबद्ध पाचक ग्रंथियां होती हैं। इसमें आप किडनी के बारे में, लीवर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज मुख गुहा के बारे में, थोड़ा सा मुख गुहा के बारे में हम लोग देख लेंगे, जीभ के बारे में, मुख गुहा के बारे में, दांत के बारे में। यहाँ तक का जो सिलेबस आज आपको मैं बताऊंगा, कल इसके आगे का टॉपिक आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आइए मुख गुहा के बारे में। बच्चों मनुष्य के पास एक मुख गुहा होती है, या ये कह सकते हैं कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। मुख गुहा जो है एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है। देखिए फिर से, मुख गुहा जो है एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में एक गुहा में खुलता है जिसे कहा जाता है मुख गुहा। मुख गुहा में बच्चों तालु, ऊपर वाला जो भाग होता है एक तालु कहलाता है। इसमें एक जीभ पाया जाता है, जीभ का अगला सिरा स्वतंत्र होता है, पिछला सिरा जो है कंठ द्वार से हमारे जुड़ा होता है।
अब बच्चों अगर हम जी बीस में जब आप भोजन को लेके जाते हैं अपने मुख में, तो मुख में पाए जाते हैं टाइलिन एंजाइम जो भोजन को काटने का, पीसने का, तोड़ने का, फाड़ने का काम करते हैं। टाइलिन एंजाइम उसमें मिल जाता है जो भोजन के माध्यम को अम्ली कर देता है, भोजन को लसलसा कर देता है और इसको आगे की तरफ बढ़ा देता है। बच्चों जीभ भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है मुखद्वा में। जीभ जो है आगे की तरफ मैंने बताया स्वतंत्र होता है, पीछे की तरफ या जुड़ा हुआ होता है। अब जीभ के बारे में अगर हम बात करें तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है या मीठे स्वाद को प्रदर्शित करता है। जीभ का जो बगल वाला भाग होता है जीभ का, यह खट्टे स्वाद को प्रदर्शित करता है। और पीछे वाला जीभ का जो भाग होता है यह कसैला जो स्वाद होता है, तीखा जो स्वाद होता है, उस स्वाद को ये प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद बच्चों मुखगुहा में एक और महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कहते हैं दांत। क्या बोलते हैं बच्चों? दांत। तो दांत इंग्लिश में इसको टीथ बोलते हैं। दांत मनुष्य में कुल तीन प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है गर्त दंती, दूसरा होता है दुबार दंती तीसरा होता है विषम दंती। आइए इन तीनों के बारे में जान लें कि क्या है। गर्त दंती जबड़ों में धंसे होते हैं दांत, इसलिए मनुष्य के दांत को गर्त दंती कहा जाता है। दुबार दंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन में मनुष्य के दांत दो बार आते हैं, एक बाल्यावस्था में जिसे दूध के दांत कहा जाता है, दूसरा युवावस्था में। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है और युवावस्था में दांतों की संख्या 32 होती है। इसके बाद तीसरा बच्चों विषम दंती। विषम दंती मतलब दांत एक से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं। और अगर आप इसी विषम दंती की हम बात करें तो मनुष्य में दांत कुल चार प्रकार के पाए जाते हैं, किरंतक, रदनक, अग्रचावड़क और चावड़क। आइए दांतों के बारे में हम लोग चर्चा कर लें, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि मनुष्य का दो जबड़ा होता है, ठीक दो जबड़ा होता है। इसको दांत जब हमको पढ़ना होता है इसको दाहिने और बाएं भाग में हम बांट करके पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जो दांत है ये आइए इसके प्रकार के बारे में हम जान लें कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिटा दें जिससे थोड़ा सा जगह हमको मिल जाए लिखने के लिए। अब आप देखिए बच्चों ये जो मनुष्य के दांत हैं, पहला दांत इसका होता है जिसे कहते हैं किरंतक, नाम याद रखिएगा किरंतक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिसर्स। दूसरा होता है रदनक, इसको बोलते हैं कैनाइन। तीसरा होता है अग्रचावड़क, इसे बोलते हैं प्रीमोलर, शॉर्टकट में इसको पीएम भी बोलते हैं, यहां से पी और ये उठा लेते हैं। चौथा जो भाग होता है उसको बोलते हैं चवड़क, चवड़क को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर। अब बच्चों इन दांतों को हमको जब दिखाना होता है तो इसके पहले वाले वर्ड को हम ले लेते हैं शॉर्टकट के लिए, जैसे किरंतक को आई से प्रदर्शित करेंगे, रत्नक को सी से प्रदर्शित करेंगे, प्रीमोलर को पीएम से प्रदर्शित करेंगे और चवड़क को ईएम से प्रदर्शित करेंगे। अब अगर हम बात करें कि जबड़े की एक तरफ दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, जबड़े की एक तरफ दांतों की संख्या टोटल पाई जाती है 8। दाहिने जबड़े की ऊपरी जबड़े के दाहिने तरफ 8, बाई तरफ 8, निचले जबड़े के दाहिने तरफ 8 और बाई तरफ 8। इस हिसाब से अगर हम देखें कि जो 8 संख्या दांतों की पाई जाती है या किन किन संख्या के आधार पर पाई जाती है तो बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे दांतों के बारे में कि मुख के ऊपरी जबड़े के दाहिनी तरफ कितना होगा और बाईं तरफ कितना होगा, निचले जबड़े के दाहिनी तरफ कितना होगा और बाईं तरफ कितना होगा। बच्चों इसमें किरंतक की बात करें, एक सूत्र है इसका याद रखिएगा 2-1-2-3, ऐसे अप्लाई करेंगे इसको। अब देखिए मुखगुहा में ऊपरी जबड़े के दाहिनी तरफ किरंतक 2 पाए जाते हैं, रदनक 1 पाया जाता है, अगर चवड़क 2 पाए जाते हैं और चवड़क 3 पाया जाता है। अब इसको हम गिनती करें 2-1-3 और 3-2-5, तो 5-3-8। तो दाई एक तरफ एक तरफ दाहिनी तरफ 8, बाईं तरफ 8, 16 ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में भी इसी तरह
पाए जाएंगे। अब अगर हम इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, थोड़ा आप जगह यहाँ दिख रहा है, आप कर सकते हैं। जैसे दो बटे दो इसके लिए जो आई के लिए है, किरणतक के लिए है। इसके बाद जो है सी के लिए कितना हो जाएगा, एक बटे एक। पीएम के लिए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो बटे दो। और ईएम के लिए कितना हो जाएगा, तीन बटे तीन। अब अगर हम इसकी संख्या जोड़ेंगे, दो एक तीन, दो पांच तीन आठ, आठ ऊपर आठ नीचे, एक एक तरफ दाएं दाएं तरफ पाए जा रहे हैं, ऊपर नीचे दो सौ कर दीजिए आप इसको, सोलह सोलह कितना हो गए, बत्तीस। तो दांतों की संख्या टोटल कितनी पाई जाती है मनुष्य के मुख में, बत्तीस दांत होते हैं। दोबारा दंती होते हैं, फिर एक बार सुन लीजिए, बचपन में शैशवावस्था में जो आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, दूध के दांत उसको कहा जाता है, वो गिरते हैं, उसकी जगह पे पत्थर के दांत आते हैं। दांत के जो सबसे मजबूत पदार्थ होता है उसको इनेमल कहते हैं, सबसे ज्यादा मजबूती देता है, सफेद रंग का होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखना कि दंत सूत्र कभी कभी पूछता है मनुष्य का दंत सूत्र कितना है, किस तेईस इक्कीस तेईस मनुष्य का दंत सूत्र होता है। संख्या की बात करें तो किरणतक की संख्या जो है ये एक तरफ बात की जाए तो दो, रत्नक एक, चवड़क दो और चवड़ तीन, इस प्रकार की संख्या में पाए जाते हैं। तो आप लोग दंत सूत्र लिख लेना, ये सारी चीजें आप लिख लेना। कल का जो टॉपिक आप लोगों का चलेगा वह आपको बताया जाएगा ग्रसनी के बारे में, किस तरह से भोजन यहाँ से निकलता है, मुगुआ से ग्रसनी होकर के आता है, ये भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी क्रिया होती है ग्रसनी में, कौन सी क्रिया नहीं होती है। चिता आप लोग जरूर बना लेना, आहार नल का एक एक भाग के इसके आप नाम लिख लेना, ये बात फिर देखेंगे, मुगुआ है ये मुख है, मुगुआ है, ग्रसनी है आपका, या यकृत है, या अमाशय है, या आपका अग्नाशय है, बड़ी याद बाहर की तरफ होता है, छोटी या अंदर की तरफ होता है, मलद्वार है और ये अपेंडिक्स है, ठीक। और जो इस समय अवशेष के रूप में मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, इसके आगे का टॉपिक कल आपको बताएंगे।